मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर जनपद के थाना जलालपुर क्षेत्र के भेड़ी खरका में 5 खंडों में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम जारी है, जहां पर भारी मात्रा में पोकलैंड मशीनों के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है। नदी की धारा को तक को मोड़ दिया गया है। वहीं ओवरलोड गाड़ियां गांव के अंदर से रोजाना निकलती हैं, जिससे जाम लग जाता है। स्कूली छात्र छात्राएं समय से विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। छात्रों का कहना है सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि खनन माफियाओं की वजह से क्या छात्र छात्राओं की शिक्षा भी पूरी नहीं हो सकती। समय से नहीं पहुँच पाते विद्यालय, आए दिन होती रहती है बड़ी घटनाएं। अभी तक जा चुकी है कई जाने, इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन का दुलमुल रवैया है। इसी से आहत होकर कई स्कूली छात्र छात्राओं व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक रविंद्र सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने भेड़ी त्राहे पर जाम लगा दिया। ग्राम प्रधान व स्कूली छात्राओं का कहना है कि गांव के अंदर से ओवरलोड गाड़ियां निकलना बंद करें और जो रास्ता गांव के अंदर से होकर जलालपुर बस स्टॉप के लिए पहुंचती हैं, वही रास्ते में करीब 3 विद्यालय पड़ते हैं, जहां पर छात्र छात्राओं का रोजाना जाना होता है। एसडीएम सरीला, सीओ सरीला, एसओ जलालपुर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा कि स्कूली टाइम गाड़ियों का निकलना बंद किया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। मतलब यह सामने आता है कि उपजिलाधिकारी भी पूरी तरीके से गाँव के अंदर से ओवरलोड गाड़ियों को निकलने के लिए साफ इनकार नहीं कर रहे हैं। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। अच्छा, पिंक साइकिल फिसल के गिर जाती है, वहाँ से चक्कर पड़ जाता है, शाम को घर पहुँचते हैं, सब लोग कहते हैं कि इतनी लेट क्यों आती हो। अच्छा, तो टीचर भी नाराज पड़ते होंगे समय पे विद्यालय में? टीचर भी डांटते हैं कि इतनी लेट क्यों आती हो। प्रताप स्वामी मंडी चले गए, नहीं ठेला जाम लग जाते हैं, कभी सामने आ जाते हैं तो लेट पहुँचते हैं। आज भी जाम लगा है तो पैदल आते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं, अब ये इतनी बुरी रास्ते है, निकलते हैं और यहाँ पे गिर जाती है साइकिल, ड्रेस भी खराब हो जाती है, स्कूल लेट पहुँचते हैं, टीचर हमें डांटते हैं, घर जाते हैं लेट जाने के टाइम शाम के, तो मम्मी पापा भी डांटते हैं। अब यहाँ पे इतना सारा जाम लग जाता है, निकले तो हम कहाँ से निकले अब यहाँ। अच्छा, तो इसके बारे में आपने टीचरों से भी कहा होगा? टीचरों से भी कहा, वो बोलते हैं कि ठेलो वालों को ये तो कहोगे, एक साइड में खड़े करे हुए, खड़े भी नहीं करते साइड में, यहाँ हम खड़े रहते हैं। लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं और इस पर डिस्कशन भी हुआ है। एक पॉइंट वाइज सारा निदान किया जाएगा। अच्छा सर, लोगों को बुला के उनके साथ बैठक कराई जाएगी। स्कूली बच्चों के टाइम पे ट्रक का आवागमन बंद कराने की कोशिश की जी। स्कूली बच्चों को लेके बहुत सारी समस्याएं, उनके सारे गार्जियन लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग स्कूली बच्चों के स्कूल टाइम से पहले और स्कूल टाइम बंद होने के बाद दोनों समय ट्रकों का आवागमन रोका जाएगा। उस दौरान उनको निकलने के लिए एक एक घंटे का समय दिया जाएगा। जब बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे उसके बाद ही ट्रकों का होगा। ये सभी पूरे ग्रामवासियों की समस्या है, सभी लोगों ने मिलकर जाम लगाया है, पूरे ग्रामवासियों ने, ग्राम प्रधान भी हैं। समस्या ये है कि यहाँ से एक तो रास्ता इन्होंने पूरा खराब कर रखा है, दूसरा ये कि आने जाने पर बड़ी रास्ते को बाधित करते हैं, कोई बीमार है तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, स्कूली बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। इसकी कई बार हमने शिकायतें की, ओवरलोड ट्रक चला रहे हैं जिससे पूरी रास्ता बेकार हो गई, कई बार शिकायतें की गई हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। तो लास्ट में हताश होकर सभी लोगों ने जाम लगाने का फैसला किया।